अज्ञात बदमाशों ने किसान के घर तमंचे के बल पर लाखों रुपए के जेवरात लूट कर हुए रफो चक्कर। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र दुलारा में देर रात अज्ञात बदमाश एक किसान के घर में सेंधबारी करते हुए लाखों रुपए के घर में रखे जेवरात लूट कर फरार हो गए। पीड़ित किसान ने लूट की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है। मुंडा पांडे क्षेत्र के दुलारा निवासी नन्हे के परिवार पर देर रात अज्ञात बदमाशों का कहर बनकर टूटा है। दरअसल देर रात अज्ञात बदमाश घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात लूट कर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया, कल ही मैंने अपने जेवरातों का एक लाला से वजन कराया था और वजन कराकर मैंने वो जेवरात अपने घर में रख दिए थे। बीती रात 3 बदमाश मेरे घर की दीवार कूदकर घर में घुस आए और घर में रखा 3 तोले सोना और 600 ग्राम चांदी लूट ले गए। लूट की शिकायत मुंडा पांडे पुलिस में दर्ज कर दी है। पीड़ित की माने तो चोरों ने उसके बेटे के सीने पर तमंचा व चाकू रख दिया और बोले, अगर तूने हमें जेवरात नहीं दिए तो हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन अभी तक मुंडा पांडे पुलिस किसी भी चोर को पकड़ नहीं पाई है। रात आए है चोटी तो मेरे भैया का एक के बंदूक रख दी, एक के वो रख दी तलवार, तो उससे गुजरा ना चीज जेवर दे। हमें बाद में पीछे वाले ने उठा मुझे उठाया ना, तेरे भैया को क्या हो रहा, तो मैं बोली मेरे भैया से क्या करना चाह रहे हो ना, वो जेवर लिखनी तो मैं बोली मैंने जेवर तो ना भैंस ले दो, तो भैंस क्या करेंगे जेवर दे। मैं गई जेवर मन की हर भैया से कुछ मत कही, भाई मुझे मार दो ना, तुझे क्या करेंगे ना भैंस चाहिए, हमें जेवर चाहिए ना, तेरे भैया को मार दूँगा। तो मैंने जित भैंस करते मैं भैया कह रहा भैया ना जी चल तू दे दे, मेरी जान प्यारी है तू ना जी वो जेवर प्यारा, तो मैं कह चलो जेवर ले जाओ, मैं भैया को छोड़ दो। अच्छा कितने लोग थे? 3 ही, दो एक बाहर रहा दो अंदर। अच्छा यहाँ से कोई हाथापाई या कुछ हुआ आपके यहाँ घर पर आकर? कुछ भी नहीं। और कल जेवर तो तोला नहीं, जो चोर आए थे आपके यहाँ पर घुसे थे उनके साथ कोई हाथापाई या कुछ ना, बदतमीजी कुछ करा ना? कुछ भी नहीं, तोल को चले गए वो जब वो चोर, चोरों ने कुछ ना कहा, वो बंदूक रखी उनकी। हम कह रहे हैं कि मीजा मार दो ना, हमसे तो कुछ कही नहीं बिल्कुल भी, तेरे भैया को मारा गया। अच्छा आपने शिकायत की थाने में या चौकी में करी कहीं? मौके पर पुलिस आई? शिकायत तो ना करी, मौके पर कोई पुलिस आई? आई तो फिर पुलिस वालों ने बुलाया। अच्छा क्या कहती है पुलिस, क्या कह गई पुलिस? पुलिस तो नहीं क्या गई है ना जी, गड्डे पड्डे देख गई, वो देख गई। अच्छा मिल जाएगा तुम्हारा जेवर। किधर होकर निकले मैल चोर, किधर को होकर मैल लाल कूद के हमारे देवर के हाँ हुई लड़की ने कही, कह रही बुआ भाई साहब बहुत बोल रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, तो मैं तो फाटक खोल कर भागी हूँ, तो उनका देवर का लोहा थर थर कांप रहा, रोवा पिटाई पर रही हवेली भरी भरी। अच्छा कितनी समय जेवर गया आपके यहाँ से? हमारा जेवर गया 3 तोले सोना और चांदी, 1 किलो से कम है और आधा किलो से ज़्यादा है। अच्छा किस गाँव की घटना आई? कौन सा गाँव है? दौलरा। किस समय का टाइम होगा लमसम? 12:30 बजे। आपने इसकी शिकायत पुलिस में या थाने वाने में करी? हाँ बुलाए वो पुलिस आई मौके पर? हाँ वो पुलिस भी आई और वो भी आए हैं, उन्होंने पुलिस वालों ने उन्हें बुलाया सीओ साहब को, सीओ साहब भगवाना रख रख कर देख के गए, होलो देखा जिधर को कूदे वो देखा, उसकी वीडियो बनाई। कूदे किधर? कूदे इधर को जीने की ओर कूदे हैं। ये दौलरा गाँव में इन्होंने शिकायत करी थी कि रात में 3 बदमाश आए थे और इनके घर से कुछ सोने और चांदी के जेवरात ले गए हैं, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर इसमें सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर ये भी बताया गया है कि तमंचे के बल पर लूट हुई? हाँ इन्होंने बताया कि जो 3 बदमाश आए थे उनमें से एक के पास तमंचा था, एक के पास छुरी थी, जिसमें डरा धमका के इनके पास से ये सोने और चांदी के जेवरात दिए, जिसमें तफ्तीश की जा रही है, जो भी इसमें सर इसमें किसी को इसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें किसी को शक के आधार पर उठाया भी गया है? अभी इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी इसमें तथ्यों के आधार पर आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की।